वो देश का उत्थान होगा। एक नारी, एक युवा, किसान और गरीब, इन तीनों के उत्थान से ही जो है हमारे देश का उत्थान होगा। आज आप सब लोगों को मालूम ही है, हम सब लोगों ने सुबह सुबह जाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और मुझे लगता है कि नारी के बारे में, किसान के, युवा के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब के बारे में अगर किसी ने काम किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया। और उसके बाद अगर इन सबको कोई आगे लेकर चला है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और एजुकेशन, बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेशन एंडोमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन आर स्टेपिंग स्टोन्स इन द अपवर्ड मार्च ऑफ अ रेस। और इसी तरह से ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे, अभी जो आपने देखा होगा कि इससे पहले जो अभी ये जो बिल आया था, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल, इसके अंदर हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने किस तरह से 9 सीटें जो है वो ट्राइब्स के लिए रिजर्व की हैं, उसके लिए भी मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि नाम में क्या रखा है। अब ये कहें कि अभी ये नाम समक्का सरक्का आपने क्यों रख दिया, नाम जो है नाम से सम्मान होता है। उन्होंने जिक्र किया था कि उनकी माता जी का नाम कुसुम जी है, कि अगर वो अपनी माता जी को कुसुम कहकर बोले और माँ कहकर बोले तो दोनों में कितना अंतर है। तो इसलिए ये बार बार ये कहते हैं कि आप जो है नाम बदल देते हैं, नाम में क्या रखा है। नाम में सभापति जी सम्मान जुड़ा हुआ है। आज इसी समाज को सम्मान देने के लिए इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी रखा गया है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि APJ अब्दुल कलाम जी जो हैं, जिनकी ये हमेशा इच्छा रहती थी कि वो पढ़ाते पढ़ाते ही जो है इस संसार को जो है विदा लें इस संसार से, और ऐसा ही हुआ भी। और उन्होंने क्या कहा था एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो इस अगर दुनिया को, संसार को हमें बदलना है तो हमें एजुकेशन को जो है वो बहुत जो है इंस्टीट्यूशंस को जगह जगह पर, खासकर जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है उसके लिए जगह जगह पर स्थापित करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि हमारी ज्योतिबा फूले, सवित्रीबाई फूले, इनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए।